फतेहपुर जिले के हथगाम थाना क्षेत्र में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के मासूम मोहम्मद नाम के युवक ने मासूम बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दे डाला। बच्ची की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंच गए, जिसे देख युवक मासूम बच्ची को छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मासूम रोते रोते घर पहुंची और पूरी घटना की जानकारी अपनी माँ को बताई। बच्चे की माँ शिकायत लेकर युवक के घर पहुंची और जहां युवक के परिजनों द्वारा मासूम बच्ची की माँ के साथ गाली गलौज करने लगे और पुलिस को घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसके बाद पीड़ित पिता ग्रामीणों की मदद से थाने पहुंचे और इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। क्या हुआ था बच्ची के साथ आपके? बच्ची हमारी बाहर खेल रही थी तो मुस्लिम वर्ग का लड़का मासूम मोहम्मद उसने आया, उसको टाफी के बहाने लेके अपने घर गया। घर जाने के बाद वो बच्ची के साथ गलत काम किया। काम करने के बाद वो बच्ची जब चिल्लाई तो छोड़ के भाग गया। उसका भाई देखा तो उसकी बहन रो रही थी तो वो मम्मी के पास अपने बताने से गया। उसके बाद उसकी मम्मी आई, उसको जब उनके घर में शिकायत पहुँचाया तो उसकी माँ और बाप जो है धमकी दे रहे थे कि अगर तुमने थाने गए तो तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसका पक्ष लेके प्रधान और उसका भाई, वो दोनों लोग भी धमकी दे रहे थे कि ये लोग अगर थाने गए तो इनको रास्ते में ही मारना। फिर हम कुछ लोग गांव के आदमी को लेके गए थाने में, गए तो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ। दर्ज करने के बाद पुलिस आई, वहाँ से फिर इन लोगों को पकड़ा। पकड़ने के बाद फिर इनके नाम कार्रवाई हुई, मुकदमा दर्ज हुआ। बच्ची की हालत कैसी है? क्या चीज़? बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत गंभीर थी, फिर दवा कराया गया उसका। धमकी और कौन लोग दे रहे हैं? गांव के ग्राम प्रधान के भाई और प्रधान धमकी दे रहे थे। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची का मेडिकल जांच करवाया गया है। एडिशनल SP राजेश कुमार ने फोन के जरिए बताया है कि हथगाम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर दिया था कि गांव का रहने वाला युवक उसकी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ गलत काम किया। इस मामले में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी TV के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।